ससुरा इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और वो छोड़ के मैं तुम्हारे लिए जस्टिस लीग वर्सेस पावर रेंजर्स का पार्ट 3 रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये सीरीज का फाइनल पार्ट है जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो गया है। पावर रेंजर्स वर्सेस जस्टिस लीग के पिछले दो पार्ट में आपने देखा कि पावर रेंजर्स की पूरी सिटी गायब हो गई। अब जस्टिस लीग और पावर रेंजर्स को अपने दोस्त, अपनी फैमिली और अपनी सिटी को बचाना है आज के आखिरी एपिसोड में। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नाटो के हेडक्वार्टर्स में डिस्कशन चल रहा था कि अचानक सिटी कैसे गायब हो गई, जिसमें वंडर वुमेन वहां घुस आती है उन सबको ये बताने कि अर्थ पर कितना बड़ा खतरा आ चुका है। तभी वहां पावर रेंजर्स भी आ जाते हैं जस्टिस लीग की दी हुई कॉस्ट्यूम्स में। वंडर वुमेन बोलती है कि अगर धरती को तबाह होते हुए नहीं देखना चाहते तो तुम्हें साथ में काम करना होगा। इधर फ्लैश अर्थ पर जेड को ढूंढ रहा था और वो उसे मिल जाता है। इधर ब्रेनियक के रोबोट अर्थ पे अटैक करना चालू कर देते हैं, जिसे ग्रीन लैंटर्न रोकने की कोशिश करता है। इधर साइबॉर्ग इंजर्ड था फिर भी अटैक करने की कोशिश करता है, वो तो सुपरमैन उसे रोक लेता है और बैटमैन उसे रिबूट करना चालू कर देता है। सुपरमैन बैटमैन से पूछता है कि विक्टर को पता है कि तुम ये भी कर सकते हो, पर वो बैटमैन है, उससे क्या पूछना, वो तो सुपरमैन को भी रिबूट करने के लिए रेडी रहता है। साइबॉर्ग होश में आते ही सवाल पूछता है, लेकिन उस चीज का टाइम नहीं था। वो ब्रेनियक के उस रूम में पहुंच जाता है जहां वो जिस भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करता था उसकी एक सिटी को कैद करके रख लेता था। रेंजर्स का रोबोट अल्फा ब्रेनियक के साथ क्वेश्चन करता है कि वो जो कर रहा है वो सेल्फिश है, और अर्थ पे सारे हीरोज लड़ रहे थे। सुपरमैन बोलता है कि तुम लोग अपनी सिटी उठा के निकलो, मैं अल्फा को लेकर आता हूँ। वो दीवार तोड़ के पहुँचता है पर ब्रेनियक उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसके पास क्रिप्टोनाइट था, पर तभी रेंजर्स उसके पीछे तलवार डाल देते हैं पीठ पे, और वो ब्रेनियक पे अटैक करके उसे जितनी देर रोक सकते थे रोक के वहाँ से निकल जाते हैं और अर्थ पे वापस आ जाते हैं बाकी लोगों की मदद करने। बिली ब्रेनियक की टेक्नोलॉजी से उनकी छोटी सिटी को वापस से नॉर्मल फॉर्म में ला सकता था, पर उन्हें पहले अर्थ को बचाना था। और अर्थ पर जेड से फाइट कंटिन्यू रहती है। फ्लैश उनकी सिटी को कहीं और ले जाने के लिए सोचता है, लेकिन रेड रेंजर देखता है कि जॉर्डन यानी उनका कॉमन सेंटर सिटी से गायब था, क्योंकि उसका नेकलेस बना के जेड ने पहन रखा था और उसी से वो रेंजर्स के जॉर्ड को भी कंट्रोल कर रहा था। पर साइबॉर्ग और बिली अपना काम छोड़ते हैं। साइबॉर्ग बाहर निकल के आता है सिप से और तभी एक रोबोट उस पे अटैक कर देता है और ब्रेनियक फिर से उस पे कंट्रोल कर लेता है, और ब्रेनियक फिर से बोलता है कि साइबॉर्ग अब मेरा है। बिली बोलता है कि नहीं, तेरा जो हाथ काटा था हमने उसी की हेल्प से हम तुझे हराएंगे। तू बोलता रहता है ना कि तू 12th लेवल इंटेलिजेंस है, मुझे तो लगता है कि ये लाइन तूने खुद ही बनाई है, पर हमने तेरे हाथ से इतना तो सीख ही लिया है कि तू कैसे काम करता है, और साइबॉर्ग के अंदर अभी वायरस है जो तेरे सिस्टम में है। और तभी सारे रोबोट्स गिर जाते हैं बिना फाइट किए। जेड को गुस्सा आता है और वो खुद बड़ा हो जाता है कि हम हार नहीं सकते। वो जस्टिस लीग को तो यूं ही पेल देता है। पावर रेंजर्स अपना मेगाजॉर्ड बनाते हैं और उससे लड़ने चले जाते हैं। वो उसका नेकलेस लेके अल्फा को देते हैं बचाने के लिए, और इस बार रेंजर्स उसे पेलने लग जाते हैं कि ये तो पहली बार इतना बड़ा हुआ है, आदत थोड़ी हुई होगी अभी। तो हार के वो छोटा हो जाता है अटैक करने के लिए, पर पिंक रेंजर उसके ऊपर पंच एरो मारती है और वो वहीं फेल हो जाता है। बाद में सिटी बड़ी हो जाती है, सब अच्छा हो जाता है, कहानी खत्म ही होने वाली होती है कि तभी अल्फा का लास्ट डायलॉग होता है, आई एम ब्रेनियक। पर स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती, कल नया दिन होगा और नई स्टोरी होगी। तो गाइस मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।